इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किसानों का एहतजाज जारी है। अब तकरीबन पूरे मुल्क में मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। कर्नाटक के बेलगाम समेत दीगर बड़े शहर देहात में भी रियासत के येडियुरप्पा और मरकज के मोदी हुकूमत के खिलाफ किसान, मजदूर और दीगर तंजीमों ने अपने गुस्से का मुजाहरा किया। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। इस देश का भी अजीब मामला है, किसान अपना हक मांग रहे हैं जबकि इस देश को किसानों का मुल्क कहा जाता है। ऐसी कई तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जिसमें पुलिस किस तरह से लाठियां किसानों पर भांजते हुए नजर आते हैं। यह देखकर उतना ही ताज्जुब होता है जितना कि इस देश के आवाम पर भी किसी तरह की कोई उपलब्धि ना होने पर भी वोट हासिल करने में भाजपा कामयाब हो जाती है। कुछ अखबार वाले हकीकत को दिखा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पर मुख्य धारा का मीडिया आज भी मोदी हुकूमत के जेरे मातहत अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। तभी जब आज तक चैनल वाले किसानों से राय पूछने गए तो उन्हें गोदी मीडिया कहकर बाहर निकाल दिया गया। किसानों की मांगे जायज है, लिहाजा इनका एहतजाज भी जायज है। अब तो भारत के दिगर मामलात में दूसरे मुल्क भी दखल दे रहे हैं और यह मोदी हुकूमत में ही मुमकिन हो रहा है, इतना सच है। किसानों के एहतजाज पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडियो ने भारत में किसानों के एहतजाज पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि एहतजाज बड़ा ही अफसोसनाक है। खैर, भारत ने इसे अंदरूनी मामला कहा है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क भारत के अंदरूनी मामलात में दखल क्यों दे रहे हैं? झूठा राष्ट्रवाद फैलाकर मोदी हुकूमत अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। अगर आप सवाल पूछोगे तो देश विरोधी ठहराया जा रहा है, पर सच्चाई छिपाकर झूठ की बुनियाद पर कब तक गुमराह किया जाएगा? चीन आज भी देश में हजारों किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुका है, अपना कब्जा भी जमा चुका है। नेपाल भी भारत विरोधी बयान दे रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड भी भारत विरोध में बयान दे रहा है। सरहद पर तनाव है, विदेश नीति नाकाम है। खुलकर अब तक कोई देश भारत के हक में बोलने को तैयार नहीं। आखिर देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों की विदेश यात्रा कर क्या हासिल किया? अब किसानों के एहतजाज पर भी विदेशी मशवरे आने लगे, क्या ऐसा सवाल भी विपक्ष की जानिब से किया जा रहा है? किसान बिल के आड़ में किसानों की जमीन को हड़प कर अडानी अंबानी को देने का मंसूबा मोदी, अमित शाह और योगी का होने का दावा अखिलेश यादव ने किया है। किसान किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं, पर वजीर आजम अपनी बातचीत में किसी तरह की कमी आने नहीं देते। विदेशी लीडरों ने भी भारत के अंदरूनी मामलात में दखल देना शुरू किया है और शायद यह पहली मर्तबा हो रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कश्मीर, NRC, नोटबंदी, भारत के लॉकडाउन पर भी कहा गया और अब किसानों के बिल को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने अफसोस न कहा। हम दूसरों को गालियां लान तान करने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ तवज्जो देंगे तो शायद जिस परेशानी से मुल्क गुजर रहा है इस खतरे से बाहर भी आ जाएंगे। अगर हम अपनी गलतियों को कबूल न करते हुए दूसरों को ही जिम्मेदारी या झूठे राष्ट्रवाद का हवा खड़ा कर के सवाल पूछने वालों को ही देश विरोधी और सत्ताधारियों की गलत पॉलिसियों की हिमायत ही देशभक्ति बनने लगे तो समझ लेना कि देश का मुस्तकबिल खतरे में है। मुन्ना भाई MBBS फेम इम्तिहानात को किसी दूसरे को बिठाने का मामला बेलगाम में पेश आया है जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। लिहाजा इसका मास्टरमाइंड गोका गांव का लक्ष्मण परवन्नावर और बसवराज गुंडियागोड़ है। हासिल इत्तला के मुताबिक फिल्मी अंदाज में किसी और को डमी शख्स को इम्तिहान गांव में बिठाकर पास करवाने का गोया धंधा इन लोगों ने शुरू किया हुआ था। 22 नवंबर को बेलगाम में KSRP और IRB के इम्तिहानात के लिए बेलगाम शहर के इम्तिहानात सेंटर में 4 अफराधों को किसी और नाम से पर्चा लिख रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसकी तफ्तीश जारी थी, अब इसका खुलासा हुआ है जिसमें गोकाक के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। ये दो लोग हैं सिर्फ बेलगाम बल्कि कई शहरों में इन दोनों ने शोले के वीरू और जय की तरह अनेक कामों को अंजाम दिया है, लाखों रुपये भी कमाए हैं। पुलिस तहकीक में भी
ये भी इतना हासिल हुई है कि सरकारी इम्तिहानात में भी किसी को कामयाब करने के लिए लाखों रुपए ये लोग लेते थे, जिसमें सीईटी भी है। सीईटी इम्तिहान देने वाले भीमप्पा महादेव हुल्लोली को पहले गिरफ्तार किया गया था। ये शख्स बैलोंगल से है। इसकी गहरी जांच के बाद तमाम कड़ियों को जोड़ा गया तो कईयों को इन्होंने इस तरह से पास करने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल लक्ष्मण परवन्नावर पुलिस गिरफ्त में है, तो इम्तिहानात के लिए जरूरी दस्तावेज फर्जी तौर पर बनाने वाले बसवराज गुंडागुड़ फरार है। इसके कारनामों को देखते हुए बेलगाम शहर, बेंगलोर, चित्रदुर्ग और दिगर जगहों पर भी मुकदमे दायर किए हुए। वजीर आला बी.एस. येडियुरप्पा भरत जुमा बेलगाम में लोकसभा चुनाव पंचायत और भाजपा कोर कमेटी मीटिंग और रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग तरफ फरमाई गई है। 4 तारीख को ही केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे से 2:15 से बेलगाम के लिए रवाना होंगे। UK 27 होटल में 7:30 बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। रात में वजीर आला यही कयाम पजीर होंगे और दूसरे दिन यानी 5 तारीख को 10:00 रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने की इत्तला हासिल हुई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।